सबसे पहले तो यास्मीन आप ये बताएं कि आप ये कम्युनिटी को जो सर्व कर रही हैं, सिंस हाउ मेनी इयर्स आर यू डूइंग दिस विद मुस्लिम मैट्रिमोनियल फॉर लास्ट 10 years, बट आई रजिस्टर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेड इट वेरी प्रोफेशनल, ट्रेडमार्क्ड इट एंड गॉट अ टीम फॉर लास्ट 3 years, 2.5-3 years. वाओ, एंड आपका मैंने देखा है कि टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने देखा है कि यास्मीना सिर्फ अकेले काम नहीं करती हैं, इनकी बहुत बड़ी टीम है, इनकी मैनेजिंग टीम है, इनकी और भी बहुत से आपके साथ लोग होते हैं. यू हैव डेजिग्नेटेड सम पोजीशन टू द पीपल, तो आप किस तरीके से, व्हाट डेजिग्नेशंस डू दे हैव? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड बस 10 years बैक एज अ फी सबिलल्ला ऑर्गेनाइजेशन. आई नेवर चार्ज्ड एनीबडी अ पेनी, किसी को कुछ चार्जेस नहीं करती थी. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैरिजेस होते थे, बट जब मैंने देखा कि लोग आर वेरी सीरियस व्हेन दे पे अ रजिस्ट्रेशन फी. सेकेंडली आई नोटिस्ड के मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड मैच मेकर्स थे जो $500 ले लेते थे लेकिन कोई प्रोफाइल्स नहीं दिखाते थे. तो मैंने सोचा कि चार्ज अ रजिस्ट्रेशन फी विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, विच वॉज $99 Canadian, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी वर गेटिंग पीपल मैरिड. सो एज टाइम वेंट बाय, आई सॉ दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक प्रोफेशनल, यू नो, आई नीडेड अ प्रोफेशनल सेटअप फॉर इट. सो मैंने देखा कि जब औरतें अकेली काम करती है, यू कैन ओनली डू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क, आप सिर्फ थोड़ा सा काम कर सकते हैं. लेकिन जब आप एक टीम बनके काम करते हो तो प्रोफेशनलिज्म कम्स इन. तो मैंने एक टीम बनाया, सो आई हैव अ वर्चुअल टीम नाउ विच सिट्स इन बेल्जियम. मैंने अपनी वेबसाइट बनाई विच एक्चुअली ऑपरेट्स, आई हैव वेबसाइट डेवलपर्स हु हैव डेवलप्ड दिस वेबसाइट. अब मैं जो नेक्स्ट फ्यूचर के प्लान के लिए काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इट विल बी द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह in the world, but right now I have a team of 50 consultants who work with us. Now these consultants handle personalized client. तो एक होते हैं लोग जो खुद करना चाहते हैं, एंड मैं हमेशा ये फिलोसफी बताती हूँ पेरेंट्स को कि माँ बाप से अच्छा मैच मेकर कोई नहीं हो सकता. तो आई ऑलवेज टेल दैट पे योर $99 फीस, रजिस्टर ऑन माई वेबसाइट, आई गिव यू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. जो प्लेटफॉर्म्स हम देते हैं ये कोई नहीं देता, कैनेडा, US, पाकिस्तान में तक पीपल डू नॉट गेट दिस. एंड मेरे को पाकिस्तान से कॉल आते हैं कि सिस्टर यास्मीन आप जो चार्ज करते हो ये पाकिस्तानी मैच मेकर्स भी नहीं चार्ज करते. वहाँ तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा. एंड अगेन यू कैन नॉट ट्रस्ट देम. एग्जैक्टली, यू कैन ट्रस्ट देम. बट यू नो वट, कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम जो सेट था पास्ट में, हमारे पेरेंट्स ने जिसको यूटिलाइज करा मैच मेकर्स के लिए, जो मैच मेकर्स आती थी आंटीज, वो आपको प्रोफाइल्स दिखाती थी 3-4, एंड उसमें से आप एक चूज कर लेते. बट नाउ द जनरेशन हैज चेंज्ड, द जनरेशन वांट्स मोर ऑफ अ चॉइस. सो इफ यू वांट दैट चॉइस, यू हैव टू हैव द डेटाबेस. एंड माशाल्लाह आज कनाडा में सबसे लार्जेस्ट डेटाबेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास है. माशाल्लाह सबसे ज्यादा शादियां हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास है. लेकिन इसमें मेरे पास एक सेगमेंट ऑफ लोग आते हैं जो बोलते हैं, यास्मीन वी नीड योर पर्सनल अटेंशन. नाउ मैं आपको बता सकती हूँ, जो ये मैच मेकर्स आंटीज हैं घर में बैठे $300-500 चार्ज करती हैं, एंड रजिस्ट्रेशन लिए जा रही है लोगों से $500, उनको 2-3 प्रोफाइल्स नहीं दिखाती. एंड दिस इज हैपनिंग इन कैनेडा, बिलीव मी. $500 ले लेते, फिर उनको कोई प्रोफाइल्स नहीं दे बताते, इनफैक्ट उनके कॉल्स नहीं लेते, दे आर सो रूड विद देम ऑन द फोन. तो मैंने सोचा ये जो सिस्टम चल रहा है ये इतना गलत है, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, बट अल्लाह की नज़रों में आर यू बींग फेयर टू द पीपल हुम यू आर टेकिंग मनी विद? इन लोगों को नींद कैसे आती है, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड. तो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई टेक 10 सिस्टर्स जो घर पे बैठी हैं, हु आर वेरी गुड प्रोफेशनली ट्रेन. जैसा कि फॉर एग्जांपल, आई एम एमबीए विद मार्केटिंग एंड सेल्स. व्हेन आई केम टू कनाडा, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने स्टारबक्स में किया, फिर एक 6 महीने के बाद आरबीसी में मैनेजर बन गई. बट मेरी बिलीफ के हिसाब से आई डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज आई फेल दैट वॉज हराम, बिकॉज उसकी इनकम इंटरेस्ट से आती है. तो आई लेफ्ट माई जॉब एज अ मैनेजर विद आरबीसी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई ज्वाइन फाल्कन ट्रैवल एज अ मैनेजर. नाउ ये बिलीफ सिस्टम लेके अगर मेरे को चलना है तो आई हैव टू डू अ प्रोफेशन विच विल बेसिकली बी माई पैशन. दीन और ईमान के साथ, दीन और ईमान के साथ, अल्लाह गिव्स द बरका इन दैट, बिलीव मी. तो मैंने ये टीम को फिर बढ़ाती गई. आज माशाल्लाह मेरी जो पर्सनलाइज क्लाइंट है, 40 के ऊपर कंसल्टेंट्स है जो उनको मैनेज करते हैं. एंड आई डोंट माइंड शेयरिंग माई बिजनेस विद अदर लेडीज, बट ये मैचमेकर आंटीज कभी ये बात नहीं करेंगी, बिकॉज दे फील कि इनकी क्लाइंट्स भी जा रही है इनके हाथ से, दे फील कि हम उनको एक्सेस दे रहे डेटा का, विच इज वेरी रॉन्ग थिंकिंग. बिकॉज आप अगर उम्मत, यू नो, यू डोंट टेक योर उम्मा एंड वॉक अलोन, यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग.